हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक्सेलरेटर सीरीज़ में। और एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर आपके सामने हैं स्टूडेंट। मैं आपको याद दिला देता हूं बच्चों कि हम लोग वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, और अभी तक दो कॉन्सेप्ट्स हम आपको वेक्टर के अंदर बता चुके हैं। वेक्टर कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, आइए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड क्या है और कैसे हम इसकी प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। बच्चों देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन जो है हमारे सामने, जो प्रॉब्लम दी गई है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। आपको बताना है कि दोनों के बीच का एंगल कितना रहने वाला है। देखिए प्रॉब्लम की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो क्या कंडीशन बनती है, थोड़ा सा देखते हैं। भाई हम लोगों ने एक फोर्स को लेट किया है F, और दूसरे फोर्स को हमने लेट किया है 2F। खुद उसने कहा है कि भाई आपके पास में दो फोर्सेस हैं, एक F है और एक 2F है। एक हम लोगों ने F लेट कर दिया है और दूसरा हो गया है उसका डबल। ठीक है, इनके जो बीच का एंगल हम लोगों ने लेट किया है स्टूडेंट, ये एंगल है थीटा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप लोगों से ये कहा गया है बच्चों कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट स्मॉलर वन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। प्रॉब्लम की लैंग्वेज के मुताबिक इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर वेक्टर के साथ, स्मॉलर वेक्टर कौन सा होगा भाई, आपके पास में दो वेक्टर हैं, एक एफ है और एक 2F है। तो अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो स्मॉलर वेक्टर रहेगा हमारे पास में F, ये F के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हमें बताना है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो ये हमारी क्वेश्चन की लैंग्वेज के मुताबिक प्रॉब्लम है, एक वेक्टर F, दूसरा वेक्टर 2F, रिजल्टेंट उनके बीच में है और जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर वेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब आप देखिए स्टूडेंट, रिजल्टेंट और स्मॉलर वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इस कंडीशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इस सिचुएशन को हम लोग बनाएंगे, ये हम लोगों को देखना है बच्चों। तो हम प्रॉब्लम कुछ ऐसे बनाएंगे, टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू आर रिजल्टेंट और स्मॉलर वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो फॉर्मूला हमारे पास में कुछ ऐसा है, टेन 90। ये जो 90 डिग्री का एंगल है ना बच्चों, ये इन दोनों के बीच में है, ठीक है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसे लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, कैसे लिखेंगे, 90 डिग्री इन दोनों के बीच में है तो ये बचा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों 2F साइन थीटा अपॉन ये वाला वेक्टर F प्लस 2F कॉस थीटा। देखिए इसका जो रिजल्टेंट लिखने का तरीका है वो कुछ ऐसा है, 90 डिग्री का जो एंगल है वो रिजल्टेंट और F के बीच का एंगल है बच्चों। सो हम लोग लिखेंगे tan 90 इज इक्वल टू, ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री इन दोनों के बीच का है, तो इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, इन दोनों को छोड़कर आपके पास में बचेगा 2F, ये वाला वेक्टर, इसे लिखिए साइन के साथ और इसे ही लिखिए कॉस के साथ, और F लिख दीजिए इसके साथ प्लस में। जब हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने होते हैं तब ये फार्मूला हम लोगों को बच्चों बताया जाता है। आसान तरीका इस फॉर्मूले को अप्लाई करने का ये है जो हमने आपको बताया कि 90 डिग्री इन दोनों के बीच में है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसे लिखिए साइन थीटा के साथ और इसे ही लिखिए कॉस थीटा के साथ और दूसरा वेक्टर इसके साथ ऐड कर दीजिए। टेन 90 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, टेन 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप लोग करेंगे तो रिजल्ट बनेगा F प्लस 2F cos थीटा इज इक्वल टू 0। सो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस के 1/2, और थीटा के अंदर, यानी जो थीटा की वैल्यू होगी cos के अंदर माइनस के 1/2, 120 डिग्री की वैल्यू होती है स्टूडेंट। तो हमारा आंसर ये है कि दोनों फोर्सेस के जो बीच का एंगल है वो 120 डिग्री है, 120 डिग्री F और 2F के बीच का एंगल है बच्चों। ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ऐसे हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को प्रॉब्लम समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको पता चला होगा बच्चों, ऐसे आप लोगों को प्रॉब्लम बनानी है। चलिए एक प्रॉब्लम हमने आपको बता दी है,
सेकंड जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों के लिए है बच्चों। चलिए ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, प्रॉपरली इस क्वेश्चन को बनाएं और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है बच्चों वो मेंशन करें और देखते हैं कि आप लोगों का आंसर क्या आता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की क्लास में हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग जरूर मेंशन करें बच्चों।